हेलो बच्चों, क्लास 8 में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए इंग्लिश में ये 8 चैप्टर कंटिन्यू है। डे ड्रीम्स, दिन का सपना, दिन के सपने। वो तो इसकी थीम भी बच्चों डे ड्रीमिंग है, दिन के समय सपने देखना। तो दो तरह से सपने होते हैं, सब जानते हैं कि एक तो रात में आते हैं, सडनली नींद के वक्त आते हैं सपने, उसमें कुछ भी सच नहीं होता है। और एक दिन के समय सपने देखे जाते हैं खुली आंखों से। तो ये हमारे कर्म पे डिपेंड करता है, हमारे वर्क पे डिपेंड करता है। अगर हम उन सपनों पे काम करें तो वो सपने सच्चे हम कर सकते हैं और वो सपने सच्चे हो सकते हैं। पर बहुत सारे लोग इस बात में भ्रांतियाँ मानते थे, सोचते थे कि ये दिन के समय सपने देखने वाला ठीक नहीं होता है। और चलिए आइए ये स्टोरी पढ़ते हैं कि एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता है क्या इस दिन के सपने वाली। किक स्टार्ट में देखते हैं। सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव हर्ड दैट डे ड्रीमिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड अ डे ड्रीमर ऑलवेज सफर अ लॉट ड्यू टू हिज हैबिट। बहुत लंबे समय से हम ये कहते सुनते आए हैं कि दिन के समय सपने देखना अच्छी बात नहीं है, और जो दिन के समय सपने देखते रहते हैं वो हमेशा पीड़ित रहते हैं। दैट्स वाई इट इज सेड वी हैव रेड मैनी स्टोरीज अबाउट इट टू। हमने भी बहुत सारी कहानियाँ इस संबंध में सुनी हैं। बट दिस स्टोरी विल चेंज आर व्यू एंड परसेप्शन टूवर्ड्स डे ड्रीमिंग। परंतु ये कहानी हमारे सारे के सारे हमारे विचारधाराओं को बदल कर रख देगी। रीड द स्टोरी, ये कहानी पढ़िए, रीड द चैप्टर टू नो दिस, ये जानने के लिए समझिए। बच्चों ये चैप्टर मैं पिछले टर्न पे आपको पढ़ा चुका हूँ, पर पता नहीं किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसमें आवाज़ वॉइस नहीं आई थी। कोई बात नहीं, रिलैक्स, फिर से पढ़ते हैं। अ कपल हैड अ ब्यूटिफुल एंड ऑनेस्ट गर्ल। एक कपल की, एक दंपत्ति की बहुत एक सुंदर और ईमानदार बेटी थी। द पेरेंट्स वर वेरी प्राउड ऑफ देयर डॉटर। और उसके माता पिता बहुत ज़्यादा गर्व करते थे अपनी उस पुत्री पर। वन डे, एक दिन फादर सेड टू हिज डॉटर, एक दिन पिता ने अपनी पुत्री से कहा, नाउ इट्स योर टाइम टू गेट मैरिज। अब तुम्हारी विवाह का समय हो गया है, तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। एंड सो इट वॉज एग्रीड दैट द कपल वुड ट्रेवल टू द नेक्स्ट विलेज टू मेक अरेंजमेंट विद द फैमिली ऑफ अ बॉय हु शी वुड मैरी। इसीलिए वो जो दंपति थे पड़ोस के गांव में जाने लगे और वहां पर विवाह के लिए उसके लिए वर की तलाश की व्यवस्था करने लगे, वर को खोजने लगे पड़ोस के गांव जाकर। वेन हर पेरेंट्स वर अवे, जब उसके माता पिता चले गए थे, द ऑनेस्ट गर्ल, बेचारी ईमानदार बच्ची, बिगिन टू डे ड्रीम। अब वो दिन के समय सपने देखने लगी अबाउट वट हर लाइफ वॉज गोइंग टू बी लाइक, कि किस तरह से उसका जीवन होगा। एंड हर न्यू हजबेंड, उसका नया पति, अबाउट हर चाइल्ड, अपने नए बच्चों के विषय में, अपने बच्चों के विषय में। एंड बाय द नेम, वॉट नेम, और जो नाम रखेगी वो भी सोच लिए, दे वुड बी कॉल्ड, क्या पुकारा करेगी। तो शी डिसाइडेड दैट शी वुड हैव 4 चिल्ड्रन। उसने सोच लिया कि उसके 4 बच्चे होंगे, 3 बॉयज, 3 बेटे एंड 1 गर्ल, और एक पुत्री, 3 पुत्र और एक पुत्री। शी वुड कॉल देम, उसने नाम भी उनके रख लिए थे। वो उन्हें पुकारेगी, क्या कहेगी, ऐसे करके पुकारेगी, मोलक, जहां देश एंड लुटदी, एंड लुटदी, ठीक है, मुल्क जहां देश लुटदी। ये 4 नाम रखे, मुल्क जहाँ देश, ये बेटों का नाम होगा शायद, लुटदी बेटी का नाम होगा। तो शी इमेजिन कॉल्ड आउट हर चिल्ड्रन व्हेन इट वाज टाइम फॉर हैव डिनर। और जब रात के खाने का समय होगा तो वो उन्हें पुकारेगी। द गर्ल वॉज सो एब्जॉर्ब टू हर इन ब्यूटिफुल डे ड्रीम दैट क्लाइम्ड अप रूफ एंड देयर हाउस, इन हर हाउस। लड़की बड़ी प्रसन्न हुई और वो इसी खुशी में ऊपर चढ़ गई छत पर। एंड दैट शी क्लाइम्ड अप, चढ़ गई छत पर एंड हाउस, एंड कॉल्ड आउट, और पुकारने भी लगी, मुल्क जहाँ देश लुट दी, मुल्क जहाँ देश लुट दी, ऐसे करके पुकारती है वो।
एंड एज द ऑनेस्ट गर्ल आउट दीज नेम, जैसे ही उस पुत्री ने, उस ईमानदार पुत्री ने ये नाम पुकारे, द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, टर्न अराउंड, टर्न टूवर्ड्स, आ गए द हाउस, उसके घर में आ गए, वेयर द ऑनेस्ट गर्ल लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जहाँ पर वो पुत्री अपने माता पिता के साथ रहती थी। देन वन बाय वन, एक एक करके दे बिगन टू रन टूवर्ड्स द हाउस, बिकॉज वो एक एक करके दौड़ने लगे। दैट द गर्ल वॉज इन ट्रबल, वो सोचने लगी कि अरे लड़की परेशानी में है, ये लड़की कष्ट में है, जिस वजह से उसने ऐसा नाम लिया, मुल्क जहाँ देश लुट दी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच अगेन।